हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, सितंबर का महीना फिल्मों के रिलीज के लिए लिहाजा काफी अहम है। ओटीटी पर ऐसी फिल्में आ रही है जो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जो दर्शक इन्हें थिएटर्स में नहीं देख सके उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो सिनेमाघर को स्किप करके सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इनमें अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली तो वहीं तमन्ना भाटिया की फिल्म बबली बाउंसर भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट की कौन कौन सी फिल्में सितंबर के महीने में रिलीज होने वाली है। नंबर वन है खुदा हाफिज चैप्टर वन अग्नि परीक्षा। विद्यु जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर वन अग्नि परीक्षा 2 सितंबर को Z5 पर रिलीज हो रही है। फारूक कबीर के डायरेक्शन बनी फिल्म खुदा हाफिज का ये फिल्म सीक्वल है, जहां इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो अपनी वाइफ को ढूंढते फिरते नजर आए। वहीं इसके दूसरे पार्ट में फिल्म विद्युत का किरदार नन्ही बच्ची नंदिनी को खोजता नजर आएगा। ये फिल्म 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फिल्म अब Z5 पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। दूसरी फिल्म की बात करें तो कठपुतली। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली सिनेमाघरों के बजाय सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 2 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह है, सुजीत सरकार है, चंद्रचूड सिंह है और शरगुन मेहता है। रंजीत तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म कठपुतली रट्टासन की रिमेक है। रट्टासन एक माइंड ब्लोइंग फिल्म है, आप लोगों को इजीली यूट्यूब पर मिल जाएगी। नंबर थ्री है थॉर लव एंड थंडर। मार्वल स्टूडियोज की फिल्म थॉर लव एंड थंडर 8 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आप लोगों का चहेता एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाब नहीं हो पाई। अब ये फिल्म रिलीज हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अगली फिल्म है नंबर 4 जोगी। नेटफ्लिक्स पर दिलजीत दोसांझ स्टारर जोगी 16 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में हमारा दस्तूर, मोहम्मद जिशान अयूब, सौरभ चौहान, नीलू कोहली, कुमुद मिश्रा और परेश आहूजा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी 80 के दौरे में हुए दंगों पर आधारित है, जिसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। इस आर्टिकल की लास्ट फिल्म नंबर 5 बबली बाउंसर। 23 सितंबर को मधुर भंडार का डायरेक्टेड फिल्म बबली बाउंसर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी। ये फिल्म भी सीधे OTT पर नजर आएगी। फिल्म में तमन्ना भाटिया टाइटल रोल में है और तमन्ना भाटिया के साथ सौरभ शुक्ला, अभिषेक बजाज, साहिल वैद, सुप्रिया शुक्ला जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म माइंड ब्लोइंग होने वाली है और काफी खतरनाक भी। तो दोस्तों, ये है वो 5 फिल्में जो सितंबर के महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी और आप लोगों को एंटरटेन करेंगी। तो इन 5 फिल्मों में से आप किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।